ये आज मैं साइट्रस पौधों में डालने के लिए ये फर्टिलाइज़र मिक्स बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, देखिए मैं सबको रखा हूँ निकाल करके। तो इस तरीके से देखिए ये सब जो है, और इसे मिला करके मैं एक मिक्सचर फर्टिलाइज़र तैयार करूँगा जो है। तो क्योंकि बारिश के बाद जो है ये सब पौधों में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है अभी आप देखिए मैं धीरे धीरे सभी को मिलाऊंगा तो आपको बताते चलूंगा। इस तरीके से ये देखिए आपका सीवीड ग्रेनुअल्स है जो है, ये आपका लगभग मैं समझता हूँ कि एक पाव है 250 ग्राम, इसको इसमें मिला दे रहा हूँ जो है। और ये देखिए पेसुडोमम मोनस जो है, एक पेस्टिसाइड है, इसको भी मैं इसमें मिला दे रहा हूँ। इस तरीके से, और ये देखिए ये आयरन है जो है, ये आपका, इसको भी मैं इसमें मिला दे रहा हूँ। और आपका ये देखिए बोरान है, इसमें ये आपका बोरान है और ये पोटास है, इसको भी मैं जो है इस तरीके से इसमें मिला दे रहा हूँ। और ये आपका हार्ड मील है, देखिए इसको भी मैं इसमें मिला दे रहा हूँ। ये आपका भी देखिए एक पेस्टिसाइड है, फिप्रोनिल जो करके है, इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ जिससे कि फंगस वगैरह हर चीज़ ना लगे। और ये आपका देखिए डाई है, ये थोड़ा भीग गया है तो इस तरीके से जो है इसको मिला दूंगा। और ये थोड़ा आपका NPK 1919 है, इसको भी मैं डाल दूंगा इस तरीके से जो है। और इसे मैं एक बढ़िया मिक्सचर तैयार करूंगा जो है आपका, देखिए एक बढ़िया मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इसे मैं फिर जो है अपने साइट्रस प्लांट या जो भी फ्रूट प्लांट है उसमें मैं बढ़िया से इसकी फीडिंग करूँगा जो है। कल जब मैं फीडिंग करूँगा तो फिर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। अभी तो आज ये मैं मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ जो है इस तरीके से। ये है बढ़िया से मिक्सचर तैयार कर दिया हूँ। ये है देखिए फर्स्ट क्लास का खाद तैयार हो गया है। और इसे जब मैं फीडिंग करूँगा पौधे में तो मैं फिर आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है ये जो है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना खाद तैयार करके और फ्रूट प्लांट या जो भी है पौधे आपके पास उसमें आप फीडिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।